देखिए बी की चाल ए की चाल से अधिक है ए एवं बी की कुल चाल सात किलोमीटर प्रति आवर है तथा ए के द्वारा और बी के द्वारा तीन घंटे में तय की गई कुल दूरी चौबीस किलोमीटर है ए एवं बी की कुल चाल क्या है ठीक है बनाते हैं ए एवं बी की चाल क्या है सिर्फ घुमाने के लिए इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया कुछ नहीं है देखिए आपका यहाँ दो शर्त रखा है ठीक है बी की चाल ए की चाल से अधिक है बी का चाल जो है वो ए के चाल से अधिक है दूसरे में क्या कह रहा है कि ए एवं बी की कुल चाल सात किलोमीटर है ए प्लस बी का चाल जो है यानी स्पीड जो है वो सेवन किलोमीटर पर आवर है ठीक है कोई दिक्कत नहीं आगे कहता है ए के द्वारा चार घंटा और बी के द्वारा तीन घंटा में तय की गई कुल दूरी चौबीस किलोमीटर है तो देखते हैं ए का रफ्तार क्या था डिस्टेंस दिया है टाइम दिया है दोनों का चौबीस किलोमीटर है ठीक है तो ए का निकालते हैं चौबीस बटा चार नीचे क्या हो जाता है टाइम हो जाता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यानी ये कितना के रफ्तार से तय किया तीन घंटा में चौबीस किलोमीटर दूरी को तो देखते हैं चार अठी चार का चार सोलह 20 चार छ के चौबीस चार छो के चौबीस यानी सिक्स किलोमीटर पर आवर बी का देखते हैं वही डिस्टेंस रहेगा चौबीस बटा टाइम कितना है तीन है तीन अठी चौबीस आठ किलोमीटर पर आवर अब देखिए बी का चाल ए के चाल से अधिक है यानी बी का आठ किलोमीटर पर आवर है और ए का सिक्स किलोमीटर पर आवर है अब हमको क्या देखना है कि ए और बी का सात किलोमीटर है कि नहीं दोनों को जोड़ने पर तो आ जाएगा बहुत ईजी है ठीक है ये छः और आठ दो का फैक्टर है ठीक है दो या छः दो चौके आठ यानी चार प्लस तीन कितना होता है सात होता है प्रूव हो गया इजी था ओके थैंक यू